दोस्तों, देश तेज गति से बदल रहा है। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या महिला वंस मोर दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आइए हम समझाता हूँ, आइए। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है, तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रॉन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन गजब बेइज्जती है। शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। क्या बोला तूने? कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है लोग दिखाते हैं, पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है, एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है। अच्छा। कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। दोस्तों, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मोदी जी के लिए भारत देश में बेहद आसान है, क्योंकि सत्ता अपनी, मीडिया अपना, डंका बजाने वाले अपने, तो फिर चिंता किस बात की। लेकिन इस बार जब डंका बजाने वाले यानी गोदी मीडिया जब मोदी जी की तारीफों के पुल बांधने के लिए मोदी जी के अमेरिका दौरे को कवर करने वाशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, तो अपने पापा के गुणगान के लिए उतावली अंजना ओम मोदी ये भूल जाती हैं कि वो अमेरिका का अखबार पढ़ने जा रही हैं, ना कि हिंदुस्तान का कोई बिका हुआ अखबार। आज तक पर लाइव शो में अंजना ओम कश्यप ये ढूंढने लगती हैं कि आखिर मोदी जी के आगमन पर अमेरिकी अखबार क्या लिखता है, तो अंजना ओम कश्यप को पता चलता है कि पापा की खबर तो छपी ही नहीं, जबकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की खबर छपती है, लेकिन मोदी जी का जिक्र पूरे अखबार में कहीं नहीं होता है। ये तो वही बात हो जाती है कि डंका बजाने के चक्कर में पुंगी ही बजा डालती है अंजना जी। अपनी इस गलती को सुधारने के चक्कर में अंजना ओम कश्यप मोदी जी का डंका बजाने एक बार फिर से जब प्रयास करने बाहर निकलती हैं, तो मोदी जी के स्वागत में आए ढोल नगाड़े बजाने वालों से ये पूछ पड़ती हैं कि आखिर मोदी जी के आने से आप लोगों के अंदर क्या उत्साह है, एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है। अच्छा। कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। मतलब पापा की एक और घनी बेइज्जती, बाजे वाले भी बुलाने पर आए हैं, उनके अंदर भी कोई उत्साह नहीं है। अंजना ओम कश्यप पर तंज कसते हुए शिल्पा लिखती हैं, अंजना ओम मोदी वह अमेरिकन मीडिया है, आपकी गोदी मीडिया नहीं है। रवीश कुमार पैरोडी लिखते हैं, अंजना जी साहब के हंसते हुए नूरानी चेहरे को अमेरिकी अखबार के फ्रंट पेज पर ढूंढती हुई, मगर जब नहीं मिले तो चेहरा उतर गया मैडम का। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं, यह देखिए अंजना ओम मोदी ने कैसे बताया कि अमेरिका पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री अमेरिकन मीडिया से गुमशुदा हैं। नगाड़ा बजाने वाले चाचा के कमेंट पर रोफल गांधी लिखते हैं कि अंजना ने बाद में कैमरे ऑफ करके समझाया होगा कि बुलाया तो मुझे भी ऐसे ही है, लेकिन कैमरे पर ये सब नहीं बोलते। प्रशांत भूषण एक बार फिर से लिखते हैं, ये क्या अंजना ओम मोदी ने ही मोदी जी का